जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल में सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और 80% उपज सिंचाई पे ही निर्भर करता है। इसलिए सही समय पे और सही मात्रा में सिंचाई आलू या अन्य किसी भी फसल को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं दीदी भैया से कि आलू में पानी कब, कैसे और कितनी बार देना अनिवार्य होता है। तब अब दीदी सिंचाई कर जाए। ठीक हाँ ठीक है। भैया आलू में कितना बार सिंचाई करे के चाहिए? दीदी आलू में टोटल 3 सिंचाई करे के चाहिए, एक बुआई से पहले और 2 बुआई के बाद। अच्छा अंकुरण के लिए अगर सिंचाई बुआई से पहले अगर न कर पैली तो दूसरा दिन रोपाई के दूसरा दिन सिंचाई कर देना जरूरी रहे छे, इससे अच्छा जनमेशन होइ छे पौधा। दीदी बुआई के दूसरा दिन वाला सिंचाई एकदम हल्का होवे के चाहिए, इससे जनमेशन एक रंग भेल, पौधा अच्छा निकल। हाँ भैया आलू लगाला के दूसरा दिन हल्का सिंचाई कर ले। दूसरा बात, 20 से 25 दिन बाद आलू लगाला के 20 से 25 दिन बाद कंद मूल लगना शुरू हो जाए छे, एक लेल सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई के समय एक चीज ध्यान देवे के चाहिए कि मेघ के 1/3 भाग सूखा रहे के चाहिए। हाँ भैया ये सिंचाई तो हो गए, अगला सिंचाई कब होता? ऐ सिंचाई के 12 से 15 दिन बाद अब तीसरा सिंचाई कैल जाते, ओ समय आलू के कंद मूल बड़ा होए लगे छे और खाने से 12 से 15 दिन पहले भी सिंचाई कैल जाए छे ताकि नमी कम न रहे। हाँ भैया समझ गए। एकरा अलावा अगर खेत सूख जाए तो जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना जरूरी है। दीदी एक बात ध्यान रहे के चाहिए, आलू खनाई से 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देवे के चाहिए। ठीक है भैया। तो उम्मीद है कि आप सब आलू के खेती में सिंचाई प्रबंधन का हमेशा ख्याल रखेंगे और उपज का लाभ उठाएंगे।